जो सतगुर तन लाते हैं ये मतलब उदे विच बड़ी डूंगाई है, बड़ा प्यार है और उदे विच बड़ा गुण है, गुणी दे नाल तन लगता है। से तन जिन हर त्याया जी, कुछ जो नाम जपते सतगुर उन्हां वास्ते भी तन वचन करते हैं, ये भी तन है कि तन सो राग सुलंगड़े तो की होंदा है अलापत तिख जाए। एक है स्थाई अंतरा, स्थाई गाली फिर अंतरा गा लिया, स्थाई गाली अंतरा गा लिया लेकिन कोई अलाप नहीं। शुरुआत है सौखा है, फिर उसके विच उस तो बाद छोटे छोटे अलाप, फिर छोटिया छोटिया सौखियां ताना, फिर थोड़े मुश्किल, फिर मुश्किल ताना, फिर विच लहकारी पलटे त्याइया, फिर वो पूरी दिमाग दी जिन्हों कहते कि प्रक्रिया शुरू होंदी है, वर्जिश शुरू होंदी है। क्योंकि संगीत जड़ा है इहदा कोई हद बना नहीं, मैं पहलों कह चुका हाँ, ये संगीत एक उपज है, इहदी बंदिश कोई नहीं। मतलब इहनूं जे कहीए जे इहदे विच बन्न दईए कि स्थाई अंदरा स्थाई अंदरा, नहीं, ये अलापिया इहदे विचों बड़ा कुछ मिलता है। तुसीं अगर गाते हो एक अलाप आया जड़े ते उस्ताद जी को सिखिया कि सिर्फ उन्नी नॉलेज है, जड़े थोड़े अगे चले जाते हैं जो गाते हैं फिर एक बार अलाप एक दूसरे वर चेंज हो गया, तीसरे वर फिर बदल गया, तान भी इस तरह ही है। फिर हौली हौली अगे जाइए, कभी खत्म होया नहीं, खत्म हो सकता। ये संगीत ऐसा है, इतिहास आखदा है कि जदों सृष्टि बनी है उदों तो राग और बाणी संसार दे विच आई। सो गुरु नानक पातशाह ने गुरबाणी नूं राग नाल जोड़दिया इस करके जोड़िया कि राग जड़े हन इहदे विच सच है, प्यार है, तो प्यार नाल ही फिर प्रेम बनता है, वैराग बनता है, वैराग तो बाद फिर अकाल पुरख की प्राप्ति होती है, सौखा काम कर देता। किथे किस्सा नूं बन के पुठे लटक के पहाड़ां च जाके बर्फां च रह के पानी च कुंदरां च वड़ के लोग परमेश्वर नूं पाउण वास्ते यतन करते सन, तो गुरु नानक पातशाह ने सौखा किया कि तुसी रागां विच बाणी नूं गाओ, उहदी महिमा करो, क्योंकि जदों तुसी गाओगे तुहाडे सामने रब आके खड़ा हो जाएगा। असीं छोटे सां, सानूं इह कहा जांदा सी, साडे पिता जी जां उस्ताद कहिंदे सन जिहड़ी राग है ना इह परमेश्वर दी खुराक है। बाणी च लिखा है ना कि रब खांदा की खांदा, कहिंदे राग नियामतां, रब खांदा राग नियामतां। सानू रोटी दी प्रशादे दी भुख लगती, होर 36 प्रकार दे भोजन हन, लेकिन रब नूं इह नहीं चाहिए। राग की है? प्रेम। तां ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिथे राग कहिंदे उहदी खुराक पैदा करो तो वह अपना भोजन छकन वास्ते खुद खुद आ जाएगा। तू पहनता की है? असी कपड़े पाने हाँ, कहते नहीं पहने सच पोशाक, वो सच की पोशाक पहनता है। ये सुर अरो अबरो राग अलैया बिलावल, अगर कुछ स्टूडेंट किसी को अगर दिलरुबा है
ताउस है वो ले भी सकते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लेके बैठो, बेशक कुछ पूछना है मैं दसांगा, इनू किस तरह प्ले करना है, किस तरह गाना है। सारे गापा नीधा नीसा, सा नीधा नीधा पा मांगा रे गापा मांगा रे सा, अरु अपरो सा जो भी शुरू करना है सानू लंबा कम से कम 5-6 सेकंड ताकि थोड़ा बेस बने। ये कोशिश करनी है कोई भी राग शुरू करो थोड़ा जा उन्हें होल्ड देना है साथ। Ah!
फिर विधि विच थोड़ा जा वादा करिए, थोड़ा जा राग नू जांचिए। गाय रे गा पा मा gamani da pa ma ga ma ga re ga ma pa ma sadani da pa ma ga re ga pa ma ga re sa पहलो खाली रोही अवरोही से ये थोड़ा जहाँ से उच्च वादा किया, थोड़ा जहा स्वरूप राग का साढ़े सामने होर बेहतर हो गया। चार गुणी जन बैठे हैं जड़े राग नू संगीत नू समझते हैं। जो कोई स्टूडेंट या कोई भी गायक स्टेज पर बह के आलाप करता है, गाँवता है, शुरुआत करता है, वो उस चलन तो फिर उन्होंने पता लग जाता है कि ये फलाना राग जड़ा है शुरू करन लगा है। ये जरूरी है। कई बच्चे स्टेज पर बैठे सीधी रीत शुरू कर देती, बंदे शुरू कर देती, जहाँ तो उन्हें उस्ताद को समझाया नहीं, जहाँ वो उस्ताद ने उन्हें दसिया नहीं, इस तरह नहीं करना, ये अधूरापन है। शुरुआत हमेशा अरोही अवरोही जा छोटा अलाप, जा अगर तुसी ज़्यादा समय दियो, काफ़ी समा हो गया सीखते, फिर उसी हिसाब ना अलाप जरूरी है, जा उदे विच बंदना नंडौत बंदना करनी वो करना लाजमी है। ये एक चंगे उस्ताद कोलों सीखे हुए सिख्यार्थी दी पहचान है कि जिन्हें जिद विच ये गुण हो। ये रीत जड़ी है बारह मात्र की है और उस्तादा ने इनू इस तरह बनाया है कि इनू असी नौ च भी गा सकते हैं। बारह मात्र भी, नौ मात्र भी। और मैं आप जी गा के सुनावांगा कि वो किस तरह दोनों तालों के गाई जा सकती है। कोई हो सकता हजार लखा जो कोई ऐसी रीत हो गई जड़ी इको रीत दोनों तालों पूरी आवे। शब्द है गुरु नानक पातशाह की रसना तो उच्चारण किया,
बिलावल महला पहला मन मंदिर तन वेश कलंदर कट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरा प्राण बस्त है माहौड़े जन्म ना आवा। शुरुआत असी इहदा मुखड़ा जड़ा है स्थाई है सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे। इतों शुरुआत है रीत दी। किसी नू ना समझ आवे तो हाथ खड़ा करके पूछ सकदा है दोबारा समझा सकते हाँ सुर का पता ना लगे तो पूछ सकते हैं। गुण गावान गुण गावान गुण गावान तेरे गुण गावान गुण गावान गुण गावान गुण गावा नित
सारे नु समझ आ गई। हाँ जी समझ आ गई ना। एक एक पहला अंतरा सी दो लाइन का, अगला अंतरा आएगा चार लाइन का। मन मंदर तन वेश कलंदर, मन मंदर तन वेश कलंदर, मन मंदर तन मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीर्थ नावा मंदर तन वेश कलंदर, मन मंदर वेश कलंदर, कट ही तीरथ नावा, कट ही तीरथ नावा, एक सबद मेरा प्राण मस्त है, एक छोटा जिहा कोशिश करांगे अलाप वारी वारी समझ के। गुण गावानित गुण गावानित गुण गावानित तेरे, आ चार हिस्से हैं, फिर आप दुराने ताकि वो समझ जाए। आ गुण गावानित तेरे,
कुबेर अवर ना जाना मेरे गुण गावाने गुण गावाने गुण गावाने तेरे मांगा सरे गा मा पा मा सरे गा मा पा मा गा मा रे गा पा मा गा मा रे गा पा मा रे गा मा गा सा रे गा मा गा गुण साहिबा गुण गुण गावाने गुण गावाने इस शब्द दे बोल है ना इदे ऊपर नोटेशन लिखी है किसे नु उस समझ आई होवे कोई गा के सुनाए गा रे गा गा सा सा गरे गा गा पा पा गा पा दा नी सा रे सा नी सा दा नी पा गरे गा गा सा सा गरे गा गा सा सा रे रे गा मा पा पा मा गा रे सा नी सा रे रे गा रे रे गा गा रे गा गा सा सा गा रे गा गा पा पा गा पा दा नी सा रे सा नी सा दा नी पा गा रे 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 गा मा पा पा मा गा रे सा नी सा रे रे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ कि मैं मेहनत नहीं करनी इस करके ये कहना है कि मैं मैं आता ही नहीं जा ये बड़े औखे हैं असी जिधर मन लाइए फिर सतगुरु जी रस्ता आपे कृपा कर देंगे दे देंगे सानू कितनी देर लगी है कोई मुश्किल है तुसी नाल ही गा रहे हो सरगम भी गा रहे हो अलाप भी कर रहे हो उदी रीत भी गा रहे हो सौखा हो गया ना
जिन्ना चिर नहीं सी कीता मुश्किल कर लिया सौखा हो गया। भाई मरदाना जी पातशाह दे नाल बाबा जी गल च पल्ला पाया कहंदे बाबा तू तो बड़ा मुश्किल रस्ता दसदा लोगों नूं। कहंदे मरदानिया मैं तो बड़ा सौखा दस्या। कहंदे जी सौखा तो किस तरह बड़ा औखा है। पातशाह कहंदे किस तरह औखा है। कहंदे जी अमृत वेले उठो सवा दे सवा पैर दे तड़के सण के सी इनान करके फिर नाम जपो बाणी पढ़ो धर्म कमाओ किरत करो सच बोलो। सतगुरु जी हसन लग पे कहंदे मस्ताना मरदाने ये तो सौखा बड़ा है। कहंदे जी सौखा किस तरह। कहंदे जो मैं कही जाना वो करी जाओ औखा उन्नी देर जदों मैं मेरा मन नहीं बनता मैं करदा नहीं। जदों मेरा मन बन गया कि जो हुक्म है सौखा हो गया। बस यही हुक्म है। एक साखी आउंदी है सतगुरु जी इस तरह ही भाई मरदाना जी दे नाल संगतां नूं उतारदे हुए एक शहर दे विच राज दे विच जांदे हन। भाई मरदाना जी उस शहर नूं देखण वास्ते आग्या लै के निकल आए। एक जगह बड़ा इकट्ठ होया बड़ी दुनिया खड़ी है विचों निकल के अगे चल गए। की देखते हैं उस शहर का राजा बैठा है एक हीरा आया है उसकी परख हो रही है। वो राजा कहता है कि ए मेरे को हीरा एक किसी ने दिता है लेकिन यदि कीमत का नहीं पता लग रहा यदि कीमत कितनी है। तो जड़े हीरे दे परखण वाले हैं इनू समझण वाले हैं वो मैनु दसन कि ये हीरा किन्नी कीमत दा है। फिर वारी वारी वो जौहरी निकल के आउंदे हन। कोई आखदा है जी एक लख दा है कोई कहंदा डेढ़ लख दा है कोई तीन लख दा कोई सत लख दा। एक बार छोटी जी उम्र का 18-19 साल का एक नौजवान वो हिम्मत करके राजे दे सामने आता है कहता जी एक कीमत दसो एक लख डेढ़ लख तीन लख सत लख दस लख कोई एक कीमत दस सकता है। राजा कहना गल तो बड़ी ठीक है भी किसी भी कीमत का हूँ पता नहीं एक दा एक दस दा लेकिन सारे हाथ खड़े कर देंगे कहते जी सानू इहदी पक्का जो कीमत है वो नहीं पता कि इहदी पूरी कीमत की है। राजा उन्हें बुलाता कहता काका तू कितों आया तू इनू जानता है। कहता जी मैं दसांगा इहदी पूरी किन्नी कीमत है। उन्हें स्टेज पर ले जाया गया। उन्हें जदों हाथे रखिया चारों तरफ घुमा के उन्हें देखिया शनाख्त करके कहना है राजा ये 99 लाख का हीरा है यदि इतनी कीमत है 99 लाख।
राजा कहना भी बड़ी वधिया गल है कि तू एक कीमत दसी है दी, लेकिन ना 98 तो ना करोड़, 1 लाख कट क्यों, पूरा करोड़ क्यों नहीं? कहना जी उहदी भी मैं तुहानू परख दसना हाँ। भाई मरदाना जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं खड़े, कहिंदे ये नौजवान तू ये दस सकता है ये 99 लाख का क्यों है, 1 करोड़ का क्यों नहीं? कहिंदा जी बिल्कुल मैं दस सकता हाँ। एक प्लेट मंगाओ थाली टाइप जिहदे विच 100 सुराख होल कीते जान। राजे का हुक्म होया थोड़े टाइम दे विच 100 सुराख कढ के एक प्लेट सामने आ गई। फिर उसने उस हीरे नूं उहदे विचकार जिस तरह एक प्लेट है आले दुआले उहदे सुराख हन 100 बिल्कुल विचकार उहनूं रख के इस तरह करके राजे नूं दिखाया, कहिंदे इहदे चों जिहड़ियां किरणां हन ये देखो 99 मोरियां दे विच जा रही हैं, 1 दे विच नहीं जा रही। इस करके इहदी 1 लाख रुपया कीमत घट है। और राजे ने उसनूं इनाम दिता, बहुत खुश होए। ये दृश्य देख के नज़ारा देख के भाई मरदाना जी बादशाह कोल आ गए, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह बैठे हैं। फिर बेनती की सच्चे पातशाह मैं अज एक कौतक देखा है, नज़ारा देखा है ऐसा, मैनू समझ नहीं आई कि वह नौजवान ने बिना ही वो प्लेट सुराखा वाली तो अपनी अखा के नाल उन्हूं किवें तक लिया कि यह 99 लाख का है, 1 करोड़ का नहीं, कोई दस ही नहीं सकिया, बड़ी जोरी आए सन उत्थे। लेकिन उन्हें हाथे रख के पहले ही कहता कि 99 लाख का है। राजा कहना कि तू मैनू दस सकता है भी ये क्यों 99 लाख का है? उन्हें फिर एक प्लेट मंगा के उस 100 सुराख कढ़ा के दिखाया कि वाकया ही इहदियां किरणां जिहड़ियां हन वो 99 सुराखां तक जा रही हैं, 1 दी नहीं जा रही। कहिंदे फिर मरदानिया कहिंदे जी बड़ा दिमाग है उहदा, इन्नी समझ कित्थों आई उहनूं? सतगुरु जी कहिंदे कहिंदे मरदानिया इह समझ ते तेरे को भी हैगी है। कहिंदे जी मेरे को, मैं ते अनजान ही है, मैं ते कोई नहीं, नहीं ते तू ते बहुत गुणी है। कहिंदे जी नहीं, मैं ते कदी समझे ही नहीं। कहिंदे मैं तैनूं दसना, कहिंदे जदों मैं तैनूं आखना मरदानिया राग आसा वजा तुरबाव ते फटाफट सुरां उसे वल वजा लैना, मैं कहना हाँ राग भैरों वजा, राग रामकली वजा, सोरठ वजा, जदों मैं तैनूं थोड़ा जिहा कहना भी इस तरह कर ला तू फटाफट उहनूं चेंज कर लैना ते तैनूं किवें समझ आउंदी? कहिंदा जी इह ते फिर मैनूं परमेश्वर ने बुद्धि दित्ती, मेरी रियाज है, मेरा मैनूं समझ आ गई है। कहिंदे इहो ही ते मैं कहना चाहुंदा कि उहनूं भी इह चीज़ दी परमेश्वर ने समझ दित्ती है, इस करके उहने उस दी कीमत नूं देख लिया, समझ लिया। इस करके इस संगीत जड़ा है ये समझ है और ये सच्ची सुची समझ है। इहदे विच इन्ना आनंद है कि जिन्हों गुरमत कीर्तन क्लासिकल संगीत समझन दी जाच है जां गाउन दी जाच है वजाउन दी जाच है वो इतना आनंदित हुंदा है और सारिआं नूं आनंदित करदा है, सारे दुख उहदे मिट जांदे हन। और सच्चा साडे उस्ताद जी कहिंदे सन सच्चा संगीतकार उह है जिहदे अंदर फिर द्वेष नहीं आउंदी किसे प्रति।
आप जी जिन्ना उस्तादा को सीखते हो तो फिर पूछते हो कि असी शुरुआत की करना है, रियाज किस तरह करना है, किड़िया सुरां दा करना है, किन्नी देर करना है, की करना है, किस तरह करना है। जिन्ना जिन्ना पूछे मैं दसो हाथ खड़ा करके। अपनी केड़ी क्लास हैगी? वो कर रहे क्लास जा वैसे सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, अच्छा राग पूरे हो गए? दो राग रह गए सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर कितने राग रह गए? अच्छा सेकंड ईयर 10। अच्छा क्लियर हो गए सारे? सेकंड ईयर दे दो राग रह गए, थोड़ा लागे कर। सेकंड ईयर दे दो राग पे। अच्छा अच्छा की पूछा से उस्ताद जी नु रियाज बारे? का रियाज कितना करना है? हां फिर दस्या उन्होंने? हाँ जी कर दे उस तरह। हाँ जी कुछ लगा कि अप्रूवमेंट हुई है? हाँ जी इंप्रूवमेंट तो हुई है पर कुछ और भी है जे। इंप्रूवमेंट तो हुई है पर अजे कुछ लगता है घट है जे। जो मैं करता रियाज घट जाता उस बाद होर टाइम सोचना जो रियाज खत्म हो जाता की करना चाहिए होर। होर कोई सज्जन जिन्होंने कुछ सांझ पानी हो दसना हो कोई? क्योंकि मैं इस करके पूछना चाहना, मैं आप जी को दसांगा कि साढ़े उस्तादा ने किस तरह सानू दस्या है कि रियाज का की तरीका है, किस तरह करना चाहिए है। कितने साल हो गए सीखते? चार महीने हो गए। चार महीने इतो टकसाल तो सीख रहे हो? नहीं जी मैं तो सीख रहा प्रोफेसर करतार सिंह जी सुगर्द ने उत्थे आनंदपुर साहब। हाँ जी। अच्छा ठीक है, जिस तरह उन्होंने रियाज दसिया है कर रहे हो? हाँ जी। कुछ लगता है बेहतर अगे नालों? जी गला जी। शाबाश बहुत चंगी गल है, पूछना चाहिए है। कई बच्चे जो उन्होंने पता नहीं होंगे वो पूछते नहीं तो कई शर्म च रह जाते कि उस्ताद जी को पूछांगे गुस्सा करेंगे। नहीं पूछना चाहिए क्योंकि जिस मैं लाइन च तुरिया हाँ ये शुरुआत है। रियाज किस तरह करना है जो मैं पता ही नहीं लगेगा फिर मैं किस तरह गावगा, किस तरह बजावगा। साधना है संगीत, साधना जिमें सिमरन की साधना है। बाबा जी बैठे हैं जड़े भी महापुरश जिन्ह ने किसी को बैठ के समझा है कि साधना की है। इस तरह संगीत की साधना है जो तुसी बैंदे हो तानपुरा लवो जा वाजे दा सा पा करके जा हुण इलैक्ट्रिक तानपुरा है लंबा सा करके भर के सा पूरा लंबा एक सा पूरा लंबा करना है उन्हूं बार बार करना है। इहदे नाल की होएगा असीं फिर सारियां सुरां ते वारी वारी नी धा पा मांगा जितों तक आवाज आवे कोशिश करनी अगर नहीं जाती सा तक तो उन्हों टच करके आना फिर इस तरह उपर जाना। इतने की होएगा कि साड़ा लंबा होएगा कैपसिटी जोड़े साढ़े फिफड़े है ये थोड़े ये जगह होर बनेगी सह भरन गाद्या सानू सा नहीं चढ़ेगा
फिर सुर जड़ी है उदी मजबूती आएगी, पकड़ आएगी, सुर दी पकड़ होएगी। हौली हौली उन्हें एक कम से कम शुरुआत वास्ते 15 to 20 मिनट वास्ते जरूरी हर वास्ते अपने आप नूं इस समर्था वास्ते दृढ़ करना कि मैं एक करना है और इस तरह करके इनू रियाज करना है तो करके देखना। 2-3 महीने लगातार गले नूं फर्क पएगा। कई स्टूडेंटां दा गला इहदे नाल थोड़ा बैठ भी जाता है, खराब भी होंदा है, क्योंकि जिन्हें कभी 4 मील दौड़ नहीं लाई ना उन्हें कभी एक दिन दौड़ना पै जाए 4 मील तो दूसरे दिन कहना यार मेरिया लत्तां दे बड़ी खलियां पै गई, बड़िया दुख रही हैं। लेकिन जिहड़ा 10 किलोमीटर रोज़ दौड़दा है वह कहना मैं तो ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं होया। इस करके वह बच्चे का गला शुरू च बैठेगा भी, खराब भी होएगा, लेकिन घबराना नहीं, बैठे गले च रियाज नहीं करना। अगर गला खराब हो गया फिर उन्हें होर नहीं खराब करना, रेस्ट करो 1 दिन 2 दिन जां किसी डॉक्टर नाल कंसल्ट करके दवाई लवो, ठीक हो जाए फिर अगे दो। और ये तरीका हौली हौली करके उन्हें 5-5 मिनट वधा के घंटे तक लै जाओ। फिर बाकी तुहाडे जिहड़े रोज़ दे राग हैगे फिर राग नूं भी, ये नहीं एक बंदिश है, उस्ताद जी ने 27 अंतरा दस्या है, तो चलो एक बारी गाई 2 बारी गाई बस खत्म। जो उन्हें असीं बार बार गावांगे उहदे विच फिर मिठास आएगी। जिस तरह एक लक्कड़ लईए, किसी दरख्त नूं कट्टिया आरे ना चीर दिता उच्च खुरदरापन आ गया, एक शेप तो आ गई लेकिन खुरदरापन, हाथ लाओ तो खुरदरा। फिर उन्हें जो मिस्त्री है कारीगर है रंधा ला के उन प्लेन करता है, प्लेन तो हो गया लेकिन अजे वो मुलायमियत नहीं आई उच्च। फिर उन्होंने मोटा रेगमर लाता है, फिर उस तो बरीक रेगमर लाता है, फिर उस तो बाद वो पॉलिश करता है, फिर वो चेहरा दिखन लग पाता, वो शीशा बन जाता है। इसी तरह ये गला है, हौली हौली कई के गले चो 2-2 आवाज़ा फट जाता है, आदि है स्टूडेंट आते हैं, फिर कई आवाज़ बैठ जाती है, लेकिन घबराने की लोड़ नहीं। जिमें जिमें असी फिर उन्हें रियाज करांगे, उस रीत नूं वो बंदिश नूं बार बार असी गावांगे, एक तो मजबूत हो जाएगी, पकड़ जा जाएगी, एक उहदे च मिठास आएगी। बार बार गाउणा फिर मिठास आएगी। जिहड़े नाम जपदे हन, जदों नाम जपीए जपी जाइए जपी जाइए जपी जाइए, मिठा मूँह आपे हो जाता है, खंड नहीं खानी पैंदी, ऐसा लगता है जिवें मेरे मुँह च शहद जा अमृत आ गया। इस तरह संगीत है, पातशाह ने इसे करके संगीत नूं गुरबाणी नाल जोड़िया कि इस समुंदर है अथाह नहीं और प्यार है इहदे विच। अगले अंतरे मन मंदिर तनवेश कलंदर कट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा है प्राण बस तो है माहौड़े जन्म ना आवा, मन बेदया दयाल से ती मेरी माई कौन जाना पीर पराई हम ना ही चिंत पराई रहाओ। इनू उस तरह पढ़ लेना अलाप वांगू, फिर अगों अगमा गोचर अलखा बारा। अगम या गोचर अलकया पारा, अगम या गोचर अलकया पारा, अगम या गोचर अपारा, चिंता करहो हमारी, चिंता करो हमारी,
गोचर अलखिया पारा कट कट जोत तुम्हारी कट कट जोत तुम्हारी तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावन गुण गावन गुण गावन तेरे तुझ बिन अवर सब सरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे जी जंत सब सरण तुम्हारी जी जंत सब सरण तुम्हारी जी जंत सब सरण तुम्हारी आवाज कट गई अगे ना थक गए जा सुस्ती आ गई नहीं थके ना जोश ना अंदर भावना लेके आनी है कि मैं करना है ठीक है जोश जी अजंत सब शरण तुम्हारी जे सब जी जंत सब शरण तुम्हारी जे जंत सब शरण तुम्हारी गबलन सा गबलन सा सदने सदा दाने दा
ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਗਰੇ ਗਾ ਪਾ ਗਰੇ ਗਾ ਪਾ ਨੀਂਦਾ ਨੀਂਦਾ ਨੀਸਾ ਦਨਿ ਸਾਰੇ ਸਾ ਦਨਿ ਸਾਰੇ ਸਾ ਦਰੇ ਸਾ ਦਰੇ ਸਾ ਦਨਿ ਸਾਰੇ ਨੀਰ ਸਾ ਦਨਿ ਸਾਰੇ ਨੀਰ ਸਾ ਗਰੇ ਗਰੇ ਸਾਰੀ ਰੇ ਸਾ ਗਰੇ ਗਰੇ ਸਾਰੀ ਰੇ ਸਾ ਨੀ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾ ਗਰੇ ਗਨਿ ਸਾ ਸਨੀ ਰੇ ਸਨੀ ਸਦਨੀ ਸਨੀ ਰੇ ਸਨੀ ਸਦਨੀ ਮਗਰ ਗਪ ਮਗਰ ਗਪ ਗਪ ਨਨੀ ਗਪ ਦਨੀ ਨਿਸਾ ਦੇ ਜੰਤ ਸਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਜੇ ਜੰਤ ਸਭ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਾਓਗੇ ਨਾ ਰੇ ਗਾ ਮਗਰ 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 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਓ ਹਾਂ ਰੇ ਗਾ ਮਗਰ ਲੈ ਦੇਖੋ ਰੇ ਗਾ ਮਗ ਆ ਆ ਰੇ ਗਾ ਮਗ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਮਾ ਆ ਆ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇ ਗਾ ਮਗ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਮਾ ਮਾ ਪਾ ਦਾ ਪਾ ਦਾ ਪਾ ਪਾ ਗਾ ਮਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਮਗ ਰੇ ਸਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਬਾ ਦਬਾ ਮਗਾ ਨੀ ਦਾ ਨੀ ਦਬਾ ਮਗਾ ਸਾ ਦਾ ਨੀ ਦਬਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾਬਾ ਮਗਾ ਪਾ ਦਾ ਨੀ ਸਾ ਸਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਾਵ ਸਰਣ
sani 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 dani da pa sani 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 dani da pa sani ni da ni da ni da ma ga re let let ni da ni da ni da ni da pa ma ga re ni da ni da ni da 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 ba 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 da 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 ni 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 ga 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 ba 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 da 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 ni 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 ek thodi gamak aayegi gamak samay do na ga 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 ba 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 da 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 ni 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 da 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 ni ni sa ni de sa re sa ni da sa ni da ni Mama gare ga badani sa Mama gare ga badani sa Mama gare ga badani sa Dejante sab sarna tumari Dejante sab sarna tumari Dejante sab dani dani da ba ni da ba ni da ba ma ga de ga ma ni da ba sa ni da ni de sa ni sa ba sa ni sa ga ga ba la ni sa adi adi ga sa ni sa ga ga ba da ni sa ga ga sa ni sa da sa sa da ni da ba sa phale aayega sa sa da ni da ba re sa ni sa da ni da ba ga ga re sa ni sa da ni da ba sa ni da ba ma ga re ga ba ga ba ni da ni sa ni sa ni sa sarna tumari de danda sa ba sarna sani da ni sa re sani da ni da pa ma ga re ga pa da ni sa sani da ni sa re sani da pa ma ga Mama gade ga ba da ni da mama ga ni da mama gade ga ba mama ga ba da ni da ni sa re sa ni sa mama ga re sa ni sa re ga ba ga re sa ni sa ni da ni da mama ga ba da ni sa ga ba da ni sa ga ba da ni sa Dani,
इनू की आखते हैं जो मैं कर रहे हैं? हाँ, लै करी, ठीक है, लै विच रह के बराबर दी लै, डेढ़ गुना उदी दो गुना, फिर उदे विच त्याई तान पलटा। गामा गामा रेगा पामा गा रेगा बाधा नी सा dani 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 da ma ma ga re ga pa ma ga re ga pa da ni sa shauk hai bacche nu beshak beta kinni der hoyi sikde saal ho gaya hor mehnat karo vadhiya ik gaana vajana jo koi bhi kaam hai teet ho gaya जिम्मे गुरबाणी से लिखा ना भी टीर रुके मंगना परमेश्वर को उस तरह मिलता ही नहीं आता तभी कोशिश करो सर्व चिंत दूध पासे चिंत दूध पासे जो दूध पावे सोई चंगा जो दूध पावे सोई चंगा नानक की अरदास नानक दास तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिब गुण गावन
तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन बीबियां आप भी कोशिश करो जिवें बच्चे कोशिश कर रहे हैं मेरे वीर कोशिश कर रहे हैं मामा गरे सा सारे मिलके ले देंगे पामा गरे गावा गरे सा गा गा रे गा मा बा मा गरे सा गा गा रे गा Da na ba ma ga de sa, da ba ma ga de sa. Da ni da ba ma ga de sa, da ni da ba ma ga de sa. Male female de surda surda fark hunda hai. Is karke dikkat aa jandi kai vari. Kyunki aap chauthe kaale ja panjve kaale to gaande ho. Eh pehla kaala hai. Lekin main us jagah te aap ji nu karawanga jithe level hai. Re 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 ga 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 ma ga de sa. Ga 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 re 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 ga ma pa ma ga re sa Ga 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 re 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 ga ma pa ma ga re sa ga ma ga re re sa Ga 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 re re ga re sa Da ba ma ga pa ma ga re sa Da ba ma ga pa ma ga re sa Ma ga re pa ma ga da ba ma ga re sa Ma ga re pa ma ga da ba ma ga re sa Da ni da ba ma ga re sa Ba da da ba ma ga de sa, re ga ba ba ma ga de sa, pa ma ga de sa, da ma ga de sa, ni pa ma ga de, ga ma pa ma ga de sa ga de ma. Ga re pa ma ga da pa ma ga ga re ni sa pa ga ma re sa be ne av re na ja na
थोड़ा जहा फास्ट करके फिर कोशिश करेंगे। मैं एक आप जी ने जरा नौ मात्र था वह समझा दें फिर समाप्ति हुक्म हो गया बाबा जी का। बहुत रेयर लखां बाद एक रीत इस तरह की होंगी जड़ी दो तालों के बिच इको लय च पूरी आती नहीं तो अलग अलग तालों कई बार पूरी आती लेकिन इको लय ठाच लग रहा है दिन दिन दागे तेरे किट तो नए दिन तेरे किट दिन दिन दा दा ठाच आ रही गुण गावानित तेरे दुर्बिन अवर न जाना मेरे साहेबा गुण गावाने ते तुझ बिने अवर ना जाना मेरे गुण गावाने ते तुझ बिने अवर ना जाना मेरे साहे गुण गावाने ते श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बलजीत सिंह जी का महापुरखों वालों सन्मान। सत श्री अकाल। सतगुरु जी की अपार रहमत है भाई बलजीत सिंह जी ते। हाँ जी चलाए माइक चला दो। ये महापुरुषों ने उपराले हैं जे कोशिश ना करिए
फिर कुछ बन नहीं सकता, तरक्की नहीं हो सकती। कहते कोशिश सफल हो जाती है। तो महापुरशा ने वो रस्ता जो संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने दर्शाया सी उसनू लैके अगे तुर रहे हैं। और आप सिख्यार्थी सारे ही विद्यार्थी जो इस चीज़ नू इच्छा रखते हैं कि गुरमत संगीत क्लासिकल संगीत जो साड़ा शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तान का उसनू सीखने वास्ते, और मनु बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि बड़ी तादाद विच आप प्यार नाल आए हो, बैठ के कोशिश की है असी सारे ने रल के कि ये कीर्तन जो अलोप हुंदा जा रहा है, जो साढ़े इतिहासिक स्थानों तो भी दूर हुंदा जा रहा है, और उसनू ये छोटे छोटे पनीरी जिन्होंने वड्डे हो के पंथ नू सेहत देनी है, गुण लियाने हैं। और ये छोटे बच्चा किन्ने 6-7 साल उम्र किन्ने बेटा 9 साल की उम्र है, लेकिन अंदर चाह है, शौक है। और वीर मेरे बीबियां बहना बैठिया हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, जिन्हां दे अंदर शौक है, चाह है, सो वो आए। इन्नी गर्मी, किन्नी धुप है, जून का महीना तपदी हुई, लेकिन परिवार नहीं, 3 दिनों तो ये जग लगा होया है। अलग अलग उस्ताद गुरु आके आप जी नूं सिखा के गए हैं, दस के गए हैं। सो महापुरशां का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारियां का बहुत प्यार मिलिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु सच्चे पातशाह का कोटानुकोट शुक्र है। सो फिर आप जी के दर्शन करांगे, इस ज्ञान नूं अपने अंदर जरूर कोशिश करना डालन दी, ताकि अगे असी इस नूं वधा सकीए। ओ गुरु नानक रीत, कई बार ना असी किते प्रोग्राम ते गए जाने हाँ, तो कई बार अनाउंसमेंट हुंदी है, कहिंदे जी भाई साहब दा तरीका जिहड़ा ना निवेकला है कीर्तन करन दा, कोई अलग ढंग है। ये जे कीर्तन करते हैं इहो जिहा बहुत घट करते हैं या नहीं करते, फिर मैनू कई बार कहना पैंदा है कि साडा कोई खानदानी ढंग नहीं, मेरा कोई अपना ढंग नहीं, मेरा तो वो ढंग है जिहड़ा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह गाउंदे सन, जो भाई मरदाना जी गाउंदे सन, जो गुरु अर्जन देव पातशाह गाउंदे सन, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज गाउंदे सन, साडा वो ढंग है। क्योंकि असी कोशिश की है, साडे उस्तादा ने कोशिश की कि बख्शिश की है कि वो रीतां गाइए जो लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने बाबा जी बड़े खुश होंदे सन जो आना, तिथे बह के किन्नी किन्नी देर बाबा सुच्चा सिंह जी फिर इहो जे बचन होने संगीत बारे भी, रागां बारे, गुरबाणी बारे, इतिहास बारे। सो बड़ा प्यार करते सन, ता ही उन्होंने इधर नूं ध्यान दिता, अगों भी इसी तरह ही लाग लगी हुई है, बहुत खुशी हुंदी है। सो सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद, सतगुरां दा शुक्र शुक्र, महापुरशां दा धन्यवाद। आओ जी आसीस दिओ, गज के फतेह के जाइए। वाहिगुरु जी का खालसा।